आइए आइए, देखिए वो रहा चांद, वो रहा। चांद आ गया? कहाँ? वो मुझे तो नहीं दिख रहा। मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा मिताली चांद। कहाँ है चांद? अरे अभी तो आया था वहाँ, पता नहीं कहाँ गया। अरे तो आया था, तो वापस चला गया क्या? हाँ दादी, मैंने देखा था, वो वहीं पर था। अभी शायद बादलों में छुप गया होगा। बादल तो है ही नहीं, पूरा आकाश तो साफ है। दीदी इसने ना लंबी सी बिल्डिंग पे बड़ी सी लाइट देख ली होगी, उसी को चांद समझ बैठी है। नहीं दासी, मैंने देखा था चांद, तभी तो आप सब लोगों को बुला कर लाई, वो वहाँ था वहाँ। हाँ दादी, वो ठीक कह रही है भाभी, चांद था वहाँ, बादल में छुप गया होगा। देखिए हाँ, ये क्यों लुका छुपी खेल रहा है हम लोगों के साथ में? पहले दिख रहा था, अभी नहीं दिख रहा है। उसको पता नहीं कि हम सुबह से भूखे हैं। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। अब ये तनु मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? पिकअप पिकअप पिकअप। हेलो हेलो तनु, तुम कहाँ हो? और तुम वो हॉस्टल से मुन्नी के बच्चों को लेकर क्यों गई? वो क्या है नालिया, बच्चे बेचारे अपनी मासी को बहुत मिस कर रहे थे, तो सोचा कि बच्चों को मासी से मिलवा दूं। तनु तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम बच्चों को यहाँ घर पर लेकर आओगे तो उस मुन्नी का छोड़ो हमारा भांडा पहले फूट जाएगा, और भाई सबसे पहले हमें घर से बाहर निकालेंगे। आई डोंट केयर आलिया, मुझसे अभी और मुन्नी की दोस्तियां बर्दाश्त नहीं होती। और मैं आई थी तुम्हारे पास तुमसे हेल्प मांगने के लिए, और तुमने मुझसे क्या कहा कि तनु तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन मेरा सर मत खाओ। तब मैं वही कर रही हूँ आलिया जो मुझे करना है। अब मैं मुन्नी के अपने सबके सामने ला के रहूंगी, सबको बता दूंगी कि ये प्रजा ने प्रजा की हमशक्ल मुन्नी है, और ये काम उसके खुद बच्चे करेंगे। मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर इस वजह से मुझे घर से बाहर निकलना भी पड़े तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस मुनि को घर से बाहर निकाल के रहूंगी मैं। इस मुनि ने मुझे ओपन चैलेंज किया था ना कि अभी मेरा कभी नहीं हो सकता। वो अभी के पास रहेगी, उसके साथ रहेगी। चैलेंज क्या होता है ना ये मैं उसे बताऊंगी। एंड यू नो व्हाट, मेरे पास बादशाह और हुक्म का इक्का है। अब मुझे ये बाजी से कोई नहीं रोक सकता, तुम खुद नहीं आ रही। ये लड़की पागल हो गई है, सीधे तरीके से नहीं मानेगी अभी। देखो मैं समझ सकती हूँ तुम क्या कह रही हो, लेकिन एक काम करते हैं, मिल के बात करते हैं। हाँ कहाँ तुम अभी? आरे कॉलोनी। तुम वहाँ क्या कर रही हो? तुम वो रूट क्यों ले रही हो? क्योंकि ये शॉर्टकट है आलिया, और शॉर्टकट मुझे पसंद है। तनु तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आलिया बहुत सुन लिया तुम्हारे। आप लोग आइए आइए, अब काटना दिशा ऐसे ही व्रत खोलेगी अपना। चलो चलिए जल्दी करो, बहुत भूख लगी है। आपको? अरे मुझे नहीं तुम्हें, कम ऑन। धीरे
है ये मुन्नी? देखते इन बच्चों को उस पे छोड़ दूंगी और फिर देखेंगे सब तमाशा। ये घर के सारे लोग कहाँ चले गए? तेरी नौकर नहीं लगी हूँ मैं, सारे कहाँ जाके खुद ढूंढ ले। वैसे भी तुझे जरा सी भी अकल होती ना तो तुझे पता होता कि करवा चौथ के दिन इस वक्त लोग छत पर ही होते हैं। इस बात का जवाब तो मैं आपको जरूर दूंगी, पर अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। चले बच्चों। ओए रुक, ये बच्चे किसके हैं? बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम चुटकी है और मैं चुटका। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं ये तो। तूने बताया नहीं ये बच्चे किसके हैं? कहीं तेरे रिश्तेदार तो नहीं है? ये बॉम्ब है जो बहुत जल्दी धमाकेदार न्यूज देने वाले, और जैसे ये धमाकेदार न्यूज फैलेगी ना आपको पता चल जाएगा कि ये बच्चे कौन है। चले बच्चों आपकी मौसी से मिलने। चलो 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 चलो। सही है, सब एक साथ ही हैं, बस अब सबके बीच में जाके ये बॉम्ब फोड़ूंगी, वहां उसका व्रत टूटेगा और फिर उसके बाद उसका अभी से साथ छूटेगा। मासी? कौन मासी? क्या कर रहे हो? नहीं, पहले तुम। पहले आप। आपने भी सुबह से कुछ नहीं खाया? नहीं, पहले तुम। नहीं, पहले आप। अरे मुझे कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, तुम खाओ उसके बाद मैं खा लूंगा। नहीं, पहले आप खाइए। ठीक है, एक साथ खाएंगे। तीन दिन? एक, दो। बेटा ये रही तुम्हारी मुन्नी मासी। जाओ। मुन्नी मासी। ये मुन्नी के बच्चे यहाँ कैसे? यहाँ कौन लाया इन्हें? मासी आप क्यों नहीं आए हमसे मिलने? हम रोज रोते थे आपके लिए। अब हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, उस हॉस्टल में तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इन बच्चों ने तो मेरी सोच से भी ज्यादा इमोशनल सीन बना दिया। इनके बहते आंसू, इनकी शिकायतें, मेरा प्लान और सुपर सक्सेसफुल बना दिया। बस मुनि, यहाँ से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। इतने साल हम साथ रहे और अचानक आपने अलग क्यों कर दिया आपसे? बोलो ना मासी, क्यों किया ऐसा? मुनि मासी, आप हमसे दूर जाना चाहती हो? जैसे माँ बाबा चले गए थे हमसे दूर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो तुम चुटकी। प्रज्ञा क्या हुआ, ये बच्चे कौन है और ये तुम्हें मासी के बुला रहे? मैं बताती हूँ आपको सब कुछ। ये क्या बताऊंगी, कैसे समझाऊंगी कि ये मुझे मासी क्यों बोल रहे? पर मुझे पहले ये पता लगाना होगा कि इन्हें यहाँ कौन लेकर आया। अगर हमको आपसे बात करनी हो तो बात भी नहीं करने देते थे, और कुछ बोलो तो बहुत जोर से डांटते थे, और मुझे वहाँ का खाना भी पसंद नहीं है। ये अपने आप तो हॉस्टल से आ नहीं सकते, कौन ला रहा है इन्हें? आलिया? नहीं, वो ऐसा क्यों करेगी? ऐसा करके तो वो खुद फंस जाएगी। बच्चों चलो हम लोग नीचे जाकर बात करते हैं, ठीक है? प्रज्ञा तुम बता क्यों नहीं रही हो, बच्चे कौन है? मैं बताती हूँ आपको सब कुछ, चलो चलो। कौन थे ये बच्चे? और प्रज्ञा को मासी की बुला रहे थे, क्यों बोल रहे थे कि मासी आप हमें वहां अकेला छोड़कर क्यों चली गई? अगर वो प्रज्ञा की फैमिली से थे तो उन्हें देख के तो उसे खुश होना चाहिए था, फिर प्रज्ञा इतनी टेंशन में क्यों दिख रही थी? तनु ही इन बच्चों को यहाँ लेकर आई,
और अगर ये इन्हें यहाँ लाई है तो मुझे फंसाने के लिए। कहाँ भाग रही है मुन्नी? तुम्हें तो बहुत पसंद है ना एक्शन, क्या कहते हो तुम उसे? तमाशा। अब देखो कितना बड़ा तमाशा लेके आई हूँ मैं, और तुम ऐसे ही जा रही हो। बहुत शौक था ना तुम्हें करवा चौथ का व्रत रखने का, अभी के हाथों से पानी पीने का, उसके हाथों से खाना खाने का। अब जान तो तुम्हें मैं दिखाऊंगी। मम्मी प्लीज फोन उठा लो, जिस बच्चे को ढूंढ रही थी वो बच्चे मिल गए, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक बार तुम यहाँ आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अलिया और तनु हम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। प्लीज प्लीज जस्ट आंसर द फोन। मुन्नी फोन उठाओ प्लीज, फोन उठाओ प्लीज, आंसर द फोन। हेलो हेलो मुन्नी मैं प्रज्ञा बोल रही हूँ। सुनो तुम्हारे छुटका छुटकी मिल गए हैं मेरे पास है एकदम सही सलामत। तुम बस जल्दी से यहाँ आ जाओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अब हम आले और तनु को मुंह पे जवाब दे सकते हैं, वो दोनों एकदम सही सलामत है मेरे पास। मुन्नी हेलो मुन्नी, मुन्नी तुम सुन रही हो ना? अरे मैम साहब ब्रेक तो लगाओ, यहाँ कोई मुन्नी मुन्नी नहीं है। आप कौन बोल रहे हैं? ये तो मुन्नी का नंबर है। मुन्नी मुन्नी कैसे नहीं है? ये फोन मुझे मिला है, मेरा है। हेलो हेलो भाई साहब, भाई साहब सुनिए मैं। तू चुप कर ना, तेरे क्या करना है? इतना अच्छा मोबाइल मिला, चलो चलो चलो। चल क्या रहा तुम्हारे दिमाग में, पागल तो नहीं हो गया तुम? तुम बच्चों को यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? Have you lost your freaking mind? कब से मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ, पहले तुम फोन नहीं उठा रही थी, फोन उठाया और जब मैंने बोला कि वहाँ मेरा वेट करो तो तुमने वहाँ भी मेरा वेट नहीं किया। क्या लगता है तुम्हें कि तुम मुन्नी का घर चलाओगी? तुम्हें ये आइडिया नहीं है तनु कि उसके साथ साथ हमारा भी घर चलेगा, हम भी चलेंगे दोनों के। जल्दी तो चल जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं उस मुन्नी को और अभी के साथ नहीं देख सकती। बताओ सच के, कौन है बच्चे और ये तो मैं मासी की बुला रहे। प्रज्ञा तुमने कहा था तुम वापस आकर सच बताओगी, तुम चुप क्यों हो प्रज्ञा? बोलो ना सच क्या है। हाँ प्रज्ञा बता बेटा, ये बच्चे कौन है? जहां तक मैं जानती हूँ ना तो तेरा कोई भतीजा है ना कोई भांजा, तो फिर ये देख बेटा हम सबको टेंशन हो रही है, तू इन बच्चों को लेके बहुत परेशान है। बताते बेटा ये माजरा क्या है, कौन है ये बच्चे, और तुझे ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मासी तू हमें छोड़ के क्यों चली गई थी? ये कहाँ से आया बच्चे, बोलना बेटा। आप कितने भी सवाल करो इससे जवाब नहीं मिलने वाला। जो चाहे पूछ लेंगे, ये ऐसी खामोशी खड़ी रहेगी, और खामोशी का मतलब हाँ होता है, क्योंकि ये जान चुकी है कि ये पूरी तरीके से फंस चुकी है। तुझे किसी ने कुछ पूछा? ऐवी बीच में बोल रही है? ये मामला हमारे घर का है, हम खुद ही देख लेंगे। मुन्नी मौसी ये सब आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं?
कुछ नहीं बच्चों, तुम लोग डरो मत, तुम लोग ना वहां जाके बैठो, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल सही कह रही है दादी, मैं और तनु ही इसे इस घर में लेकर आए थे। क्योंकि इसने हमें विश्वास दिलाया था कि ये प्रज्ञा है, इसने हमें भी बेवकूफ बनाया, हमें विश्वास दिला दिया कि ये हमारी प्रज्ञा भाभी। लेकिन आज जब ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ है तो हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं दादी। गलती तो तभी सुधरेगी ना दादी जब इसकी सच्चाई सबके सामने आएगी, और जैसी इसकी सच्चाई मेरे और तनु के सामने आई, हमने ठान लिया कि हम इसे सबके सामने यहां पर लाएंगे और इसका सच सबको बताएंगे। कि जो प्यार आप लोग इसको दे रहे हो वो इसकी उसकी हकदार नहीं है, उस प्यार की हकदार प्रज्ञा है, और ये प्रज्ञा नहीं है, प्रज्ञा की हमशक्ल। प्रज्ञा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ सच क्या है, ये बच्चे कौन है, ये तुम्हें मासी क्यों बुला रहे हैं? प्रज्ञा प्रज्ञा जब तक तुम कुछ नहीं बोलोगी ये लोग बोलते रहेंगे, प्लीज से समथिंग। मैं दरअसल मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। मैं जवाब देना चाहती हूं लेकिन जुबान की लड़खड़ा रही है तुम्हारी। हम अगर झूठ बोल रहे हैं तो तुम सच बोल रही हो ना? सच बोलने वाले तो ऐसे हिचकिचाते नहीं। हिचकिचाहट नहीं छटपटाहट है तनु, ये सोच रही है कि मैं चारों तरफ से फंस चुकी हूँ, मैं निकलूं कैसे? शट अप। प्रज्ञा प्लीज अब और चुप मत रहो। प्रज्ञा प्लीज बताओ सच क्या, बताओ ये बच्चे कौन है? देखो प्रज्ञा तुम्हारी खामोशी मुझे बेचैन कर रही है। देखो मैं जानता हूँ ये दोनों तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम मुझे बताओ, बस ये बताओ कि तुम चुप क्यों? कोई मजबूरी है, कोई डर है, कुछ भी है मुझे बताओ ना प्रज्ञा, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगा, लेकिन अगर तुम इस तरह चुप बैठी ना तो तुम कुछ नहीं कर पाऊंगा प्रज्ञा। देखिए सुनिए, मैं आपको सब कुछ बता सकती हूँ लेकिन इस वक्त नहीं। मेरा मतलब है आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आपको सब कुछ बता सकती हूँ। या अल्लाह मैं क्या करूँ, इनका तो काफी खून बह रहा है। भाईजान प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए ना, इनका काफी खून बह चुका है, इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत जरूरी है। भाईजान थोड़ा जल्दी कीजिए ना। या अल्लाह इस लड़की की जान बचा लो, पता नहीं इसके घर वालों को मालूम भी है या नहीं, फोन भी नहीं है इसके पास, क्या करूं मैं, क्या करूं? या अल्लाह तेरा शुक्र है। सुनो क्या नाम है तुम्हारा, क्या कहाँ रहती हो तुम, तुम्हारा घर कहाँ पे है, तुम्हारे घर का नंबर दो ना ताकि मैं उन्हें फोन करके इत्तला कर दूं। चुटका चुटकी, शायद ये अपने बच्चों का नाम ले रही होगी, क्या पता घर पर है या बिछड़ गए हैं। या अल्लाह इस लड़की को बख्श दो, इस पर रहम करो, इसे बचा लो और इसके बच्चों से मिला लो। भाईजान प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए ना। क्या तुम कुछ कुछ नहीं बोलेगी वो भाई,
क्योंकि वो सच बोलने से डर रही है। उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है और इसका सबसे बड़ा सबूत है ये दोनों। ये जो इसके भांजा भांजी यहां पर आए हैं ना, इसके बाद इसकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि ये जब तक यहां पर नहीं थे तब तक ये सबके सामने अपने आप को प्रज्ञा बोल रही थी, प्रज्ञा की तरह बिहेव कर रही थी, प्रज्ञा की तरह सबसे काम करवा रही थी। लेकिन अब जब ये यहां पर आ गए हैं तब इसकी बोलती बंद हो गई। इसे पता है इसका सच सबके सामने आ चुका है और अब ये बात किसी से छुपी नहीं रहेगी। और यही बात मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूं। बहुत ही चालाक है, इसे किसी तरीके से पता चल गया था कि इसकी शक्ल प्रज्ञा से मिलती है। और भाई आपका क्या है, आप तो इतने बड़े रॉक स्टार हैं, हर कॉन्सर्ट में आप कभी ना कभी प्रज्ञा को याद करते ही रहते हैं। आई एम श्योर इसने देख लिया होगा और इसको समझ में आ गया होगा कि आप अब भी प्रज्ञा को याद करते, उसे ढूंढ रहे। फिर इसने अपना दिमाग चलाया होगा और कहीं से पता लगाया होगा कि आपके और मेरे बीच में प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से आपने मुझे और तनु को इस घर से बाहर निकाल दिया था। इसने मौके का फायदा उठाया और किसी तरीके से हमारे सामने प्रज्ञा बनकर आ गई। मौका और दस्तूर दोनों मिल गए। इसे पता था आपको प्रज्ञा चाहिए थी और मुझे और तनु को इस घर में पना चाहिए थी। आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम था ये सब कुछ तभी होगा जब ये यहाँ पर प्रज्ञा बनकर आएगी। तो भाई याद है वो कॉन्सर्ट की रात जहाँ पर आपने अनाउंसमेंट की थी प्रज्ञा के बारे में, जहाँ पर तनु और मुझे भी पता चला था कि आप उसे ढूंढ रहे हैं, शी इज गॉन मिसिंग, और हम भी उसे ढूंढने निकले थे। ये उसी रात हमें मिली थी। एक सोची समझी साजिश, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ था जब मैंने इसे देखा था। एक पल को लगा जैसे जैसे प्रज्ञा सामने आ गई। जो गलत काम हमने किए थे, जिसका पश्चाताप हम करना चाहते थे, वो मौका हमें मिल रहा था। और इसको देखकर इतनी खुशी हुई कि भगवान को कितनी बार थैंक यू बोला कि थैंक गॉड हमें प्रज्ञा मिल गई, अब हम इसे अपने भाई के पास ले जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें क्या पता था कि ये प्रज्ञा नहीं, प्रज्ञा की हमशक्ल है। बहुत ही समझदारी से इसने थोड़ा बहुत प्रज्ञा के बारे में पहले जान लिया, उसके बाद इस घर में आई किसी से बातचीत नहीं करती थी, क्योंकि ये चाहती थी कि इसकी असलियत सबके सामने ना आए। और धीरे 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 इसने सबके तौर तरीकों को देखा, समझा और उसे अपना लिया, क्योंकि इसे बहुत अच्छे तरीके से पता था अगर ये उस वक्त बातचीत करती, सबसे घुलती मिलती, तो सबको समझ में आ जाता कि एक नंबर की गवार है। लेकिन बहुत समझदारी से इसने धीरे धीरे अपने आप को प्रज्ञा की तरह बना लिया, उसकी तरह कपड़े पहनने लगी, धीरे धीरे इसकी बातचीत में सुधार आने लगा, ये प्रज्ञा की तरह बात करने लगी। हाँ आलिया एकदम सही कह रही है, अभी जब ही आई थी ना आलिया और तनु इसे लेकर, तो ये एकदम गांव की गवारन थी, किसी से ठीक से बात नहीं करती थी, सब लोगों के सामने चुप रहती थी, लेकिन अकेले में तो ना मेरे सामने पटर पटर बोलती थी, पता नहीं कौन सी भाषा में बात करती थी। और तो और इसने अपनी मौसेरी बहन बना लिया था मुझे, एकदम गांव की गवारन जैसी दिखती भी थी, पहनावा वगैरह सब कुछ। लेकिन धीरे धीरे अचानक से ये प्रज्ञा बन गई। आप बिल्कुल सही कह रही है मिताली भाभी, मुझे तो बहुत शक हुआ था जब मुझे आलिया की जगह आइला बुलाती थी और तनु को भी कुछ और बोलती थी, और वो सब चीजें भी बोलती थी कि हमका समझ नहीं आ रहा है और वो सब कुछ। और जब मुझे लगा कि इस बात के तह तक जाना चाहिए, तब मैं धीरे धीरे उसका पीछा करने लगी। मैं देखने लगी कि ये करती क्या है, कहाँ जाती है, इस घर से निकल के किसको मिलती है, कब मिलती है, क्या करती है, क्योंकि मेरे लिए जानना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली को धोखा दिया जा रहा था। तब इस हमशक्ल की सच्चाई मेरे सामने आई। और ये सारी बातें मुझसे आलिया ने शेयर की, मैंने भी आलिया को बताया कि मुझे इस पे शक है, आलिया ने मुझे अपने साथ इन्वॉल्व किया और हमने इसकी इंफॉर्मेशन निकालना शुरू किया। हमारा दिन लकी था कि हमें इसके खिलाफ सबूत मिल गए, और वो सबूत है इसके बच्चे जो उसने हॉस्टल में रखे हुए थे। उन्हें तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हारी शक्ल तो प्रज्ञा जैसी है पर दिल बिल्कुल प्रज्ञा जैसा नहीं है। तुमने उन मासूम बच्चों को अपने आप से दूर कर दिया जिनका तुम्हारे अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। अभी हम बच्चों को यहाँ पर लेके आए ताकि इन बच्चों को इनकी मौसी मिल जाए
और उसे इसकी सजा मिले। इंजेक्शन लेके आओ और इंदो एक्सरे की रिपोर्ट जल्दी मुझे दिखाओ। ये एक मेजर एक्सीडेंट था, सो आई वांट योर अपडेट्स एवरी आवर। डॉक्टर, हाँ बोलिए। समझ में नहीं आ रहा है, बोलो। देखिए आप अभी आराम कीजिए, आप अभी ठीक नहीं है। जरूरी बहुत। देखिए आप अभी ठीक नहीं है। बच्चे एक तो फोन अब खतरा, उनको मैं फोन करती हूँ। नंबर बोलो। नौ जा रहा है। और बात करो, करो। ये क्या कर रही हो तुम? सर, वो मैंने उनको मना किया था, पर इन्होंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे गॉन मैड, पेशेंट की हालत देखिए, शी इज नॉट स्टेबल, उन्हें आराम की जरूरत है, उन्हें बात करने से मना है, उन्हें नींद का इंजेक्शन दे दो, जल्दी करो, गो एंड गेट इंजेक्शन इमीडिएटली। पर चलो सुबह बात करना हमको, हमको आप लेटे रहिए। मुन्नी आज तुम्हारे नाटक पे पर्दा गिरा दूंगी और तुम्हारे नकली चेहरे से नकाब हटा दूंगी। कल मुझे भी लगता था कि नहीं, जो तनु कह रही है वो गलत है, पर अब लग रहा है कि तुम्हारी लगाम अब खींचनी ही पड़ेगी। आंखें दिखा रही थी, अब पता चलेगा उसे कि आलिया क्या चीज है। अच्छा हुआ जो मैंने इन सब की कॉपीज अपने पास रख ली थी पहले, जब मुझे ये पक्का करना था कि ये मुन्नी है कि नहीं, तब के रखे हुए पेपर्स आज काम आएंगे। इन पेपर्स को मैं सबूत बना के सबके सामने पेश करूंगी। ओह डैम इट, मेन प्रूफ तो मैं भूल ही गई। जाओ तुम रिपोर्ट कलेक्ट कर लो। जी बेटा। हेलो, आप डॉक्टर शीला? जी मैं डॉक्टर शीला बोल रही हूँ, आप कौन? मैं आलिया, आलिया मेहरा, मुन्नी की फ्रेंड। अच्छा हाँ याद आया, आलिया मेहरा, आप ही छुटका को लेकर गई थी यहाँ से? करेक्ट करेक्ट। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी कहिए, छुटका तो ठीक है ना? ओह या या, इज एब्सोल्युटली फाइन, बट आई एम सॉरी टू से मुन्नी ठीक नहीं है। क्या हुआ मुन्नी को? अभी नहीं बता सकती, लेकिन हाँ मैं ना थोड़ी देर बाद आपको फोन करूंगी। आप नेटवर्क एरिया में रहिएगा और अब मेरा फोन उठा लीजिएगा, वीडियो कॉल करूंगी, आप उससे बात कर लीजिएगा। हो सकता है शायद उसे बेटर फील हो या उसके लिए चीजें ठीक हो जाए। हाँ डॉक्टर, फोन उठाइएगा। हाँ ओके, थैंक यू। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।